तो गुरु जॉन विक के लिए तुम भी पागल, हम भी पागल, तो क्यों ना इस पागलपन को रिश्तेदारी में बदल दिया जाए। तो भाई यार, ये कोई तरीका नहीं होता वीडियो शुरू करने का। तो खैर, बिना किसी शर्मो हया के जॉन विक चैप्टर 4 के कुछ हिडन डिटेल्स और प्लॉट पॉइंट्स के बारे में ऐसे जानते हैं जिसको प्रॉब्ली तुम्हें देखते टाइम तुमने मूवी मिस कर दिया होगा। तो सबसे पहले, जॉन विक 3 से जॉन विक 4 में कितना टाइम बीत चुका है, क्योंकि भाई जॉन विक के फर्स्ट 2 मूवीज के इवेंट्स बिना टाइम वेस्ट किए बैक टू बैक चलते रहते हैं। एंड जॉन विक 4 फ्रेंचाइज में अभी तक का सबसे बड़ा टाइम जंप लेती है। जहां एग्जैक्टली तो नहीं बोला गया है, मगर इसके डायरेक्टर चार्ल्स सेलिंस्की ने इस पे कमेंट करते हुए चैप्टर 3 के बाद कहानी को 7 से 8 महीनों के आगे बढ़ाते हुए दिखाया है। जिसको देखते हुए ये भी पता चलता है कि बाउरी किंग के स्कार्स भी अब हील हो चुके हैं। जॉन की भाई कॉन्टिनेंटल से गिरते हुए भी भाई वो भी रिकवरी ले चुका है। इन चीजों को कंपनसेट करते हुए न्यूयॉर्क में बर्फ भी गिरने लगी है। मूवी का एक और डिटेल तुमको बहुत ही पसंद आएगा। जब जापान ओसाका कॉन्टिनेंटल में सोल्जर्स जॉन से लड़ने आते हैं, तो वो अपनी आइडेंटिटी भी साथ लेकर आते हैं, जिसपे अगर तुम गौर करोगे तो उनके मास्क और अटायर से पता चलता है कि इन्होंने अपने कल्चर की सामुराई आइडेंटिटी खोई नहीं है। जिसपे भले ही उन्होंने अपने अंडरग्राउंड वर्ल्ड को क्यों ना ज्वाइन कर लिया, जिसको अगर हम रेट्रोस्पेक्ट में देखें तो जब चैप्टर 3 के क्लाइमेक्स में न्यूयॉर्क कॉन्टिनेंटल पे हमला होता है तो सोल्जर्स भी वही रहते हैं, मगर चैप्टर 4 से जो क्लियर हो जाता है कि कंट्री टू कंट्री हर सोल्जर्स की आइडेंटिटी चेंज होती रहती है। जिस पे ये बात सोच सकती हो कि कोई भी मामला गड़बड़ाने से पहले हाई टेबल को भाई अपने सोल्जर्स को किसी कंट्री टू कंट्री ट्रैवल नहीं करवाना पड़ता। उनके पास किसी ऑर्गेनाइज्ड मिलिट्री की तरह हर देश में अपने एक सोल्जर रिजर्व्स भी रखे होते हैं। इसके अलावा एक और मूवी डिटेल आती है इसके एक्टर से रिलेटेड, जिसको हमारे मैन ऑफ कल्चर के पॉडकास्ट में मिस्टर मोहित ने लाइट लेकर उजागर किया हुआ था। जो कि भाई अपना कैरेक्टर आता है कीला, जो कि जर्मनी ब्रांड से हाई टेबल को रिप्रेजेंट करता है। उसको प्ले करने वाले एक्टर हैं स्कॉट एडकिंस, जिन्हें पेंगुइन की तरह फैट सूट पहना के काम कराया गया है और स्टंट्स भी कराया गया है। तो अब ये बात क्लियर हो जाती है कि इतना वेट होने के बावजूद भी वो इतने एथलेटिक कैसे थे। एंड अब अगर अपने एक्टर्स की बात कर ही रहे हैं तो मूवी में ओसाका कॉन्टिनेंटल के मैनेजर शिमाजू कोजी की बेटी अकीरा, जो कि शारन की तरह ओसाका कॉन्टिनेंटल की कॉन्शियर भी थी, उसकी एक्ट्रेस की ये पहली पिक्चर है। रीना सावायामा, जो कि ओरिजिनली जापानीज पॉप स्टार हैं, तो भाई अपनी पहली पिक्चर में इतना बैड एज रोल करना, भाई देखना तो पड़ेगा कि ये क्या-क्या काम करती हैं। इसके अलावा मूवी में एक और मिस्टीरियस कैरेक्टर आता है, दी हार्बिंगर, जो कि भाई मूवी के शुरू में न्यूयॉर्क कॉन्टिनेंटल को 1 घंटे का समय देता है उसके तबाह होने से पहले। एंड उसकी भी एक उंगली जॉन विक की तरह कटी हुई है। अब भाई इसके एफिलिएशंस हाई टेबल के साथ तो जुड़े हुए हैं, मगर ये कोई हाई टेबल का मेंबर नहीं है, बल्कि एक हाई रैंकिंग एजेंट है जिनका इन्फ्लुएंस और अथॉरिटी जॉन विक चैप्टर 3 की एडजुडिकेटर से भी ज्यादा है। अब देखो भाई, हम सबको पता है कि हाई टेबल किसी भी तरह की इनकॉम्पिटेंस को भाई छोड़ता नहीं है। विंस्टन से जॉन विक को रोका नहीं गया तो भाई उन्होंने उसका पूरा होटल उड़ा दिया, तो भाई भगवान ही जाने उन्होंने पिछली एडजुडिकेटर के साथ क्या किया होगा। एंड इधर भाई, अपनी हार्बिंगर के उंगली का कटा होना सीधी तौर से लॉयल्टी को प्रूव करने का एक तरीका है, जिसका एग्जैक्ट एग्जांपल हम चैप्टर 3 के एल्डर के रिंग के एग्जांपल के साथ जोड़ के देख सकते हैं। जिस पे एक और तौर से एग्जांपल आता है कि जब मूवी में केन बताता है कि अपनी बेटी के लिए इस बिजनेस ने जब उसे छोड़ रहा था तो अपनी आंखें लॉयल्टी प्रूव करने के तौर पे उसने दे दी थी। एंड अब भाई अगर रिंग की बात कर ही रहे हैं तो ये कैसे भूल सकते हैं कि जॉन विक की रिंग अभी भी मिसिंग है, जो कि भाई पुराने एल्डर को चेंज करने का बस यही एक कमी रह जाएगी कि जॉन विक को अभी भी उसकी पुरानी रिंग नहीं मिली है। एंड अब आई थिंक एज अ कंसर्न्ड पर्सन होने के नाते मैं तो यही चाहता हूं कि जॉन विक थोड़ा सा तो मूव ऑन कर जाए अपनी जिंदगी से, मगर जॉन भैया का प्यार ये सच्चा वाला प्यार, वो किसी और पे लाइन नहीं मारते, वो किसी और पे नजर नहीं डालते। तुम्हें याद ही होगा कि जॉन विक चैप्टर 2 में जब रूमी ने इस पे 3-3 बार लाइन मारी थी, मगर भैया फिर भी नहीं पिघले हुए थे, एक बार तो नीचे ही हाथ डाल दिया था। खैर, उसके बारे में फिर कभी डिटेल में बात करेंगे, जो कि उसके बाद हो सकता है कि भाई सोफिया के पास उसकी रिंग आ चुकी हो, क्योंकि भाई वो मोरक्कन कॉन्टिनेंटल की मैनेजर है, या फिर भाई जॉन विक की रिंग के बारे में हमें बैलेरिना पिक्चर में भी कुछ पता चल सकता है, क्योंकि भाई क्या पता वो एना दी आर्मास के कुछ इतने ज्यादा ही करीब चले गए थे कि उन्हें अपनी रिंग याद ही ना आए। एंड इसके अलावा मूवी में 2 सुपर इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स आती हैं, जिन्हें इंटेंशनली काफी ज्यादा फुटेज दी गई है। जहां पहली लिबर्टी लीडिंग द पीपल की पेंटिंग आती है, जब विंस्टन मार्कस को पेरिस विजिट करता है, जहां इस पेंटिंग की मीनिंग फ्रीडम, डेमोक्रेसी और लिबर्टी अपने लोगों को लीड करते हुए नजर आ रही है, जो सिंबलाइज करती है करंट ऑप्रेसिव रिजीम से मुक्ति की। जो कैरेक्टर्स के लिए मूवी में अलग अलग मेटाफोर सकते हैं, क्योंकि मार्कस के लिए ये मोटिव पुराने तौर तरीकों को छोड़कर नए मैनेजमेंट और रूल्स को अपनाने की बारी आती है, मगर जॉन विक के लिए ये पेंटिंग उसके क्वेस्ट की तरफ सिंबलाइज करता है कि कैसे हाई टेबल के प्रकोप से वो आजाद होगा। जिस पे उसी हॉल में एक और पेंटिंग आती है, जब विंस्टन निकल रहा होता है और वहां रुकता है, द राफ्ट ऑफ मेडूसा, जहां इस पेंटिंग की मीनिंग है कि इंसान के हर सिचुएशन में हर इमोशन को ही दिखाता है। जहां उस पेंटिंग का उस डायलॉग के समय वहीं पे फ्रेम होके रुक जाना, ये बता जाता है कि भाई जब विंस्टन कमरे में घुसा था कॉन्फिडेंस के साथ कि हां भाई मेरे पास हाई ग्राउंड है, मगर निकलता है डर, गुस्से, एंगर और कंफ्यूजन के साथ। और ये
पेंटिंग मूवी के अपकमिंग इवेंट्स को भी सिंबलाइज करती है कि भाई कैसे इतने हाई नंबर ऑफ बॉडी काउंट्स जो इसमें दिख रहे हैं और उन्हीं के साथ जो ट्रेजिक नेचर है इस धंधे का उसको भी ये दर्शाते हुए इशारा करता है। तो खैर अभी तो जॉन विक चैप्टर 4 के ऊपर हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं मगर भाई वीडियो को ज्यादा लंबी नहीं करेंगे, तुम्हारी टाइम की बहुत इज्जत करते हैं। मगर उसके अलावा अगर तुम्हारे इस वीडियो पर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो हम इसके ऊपर और बात करेंगे एंड ऊपर से अगर तुम्हारी ओपिनियंस है या फिर तुमने कुछ ऐसी डिटेल्स हैं जो नोटिस की है मूवी में जो मैंने इस वीडियो में कवर ना की हो तो अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट जरूर बताना, मे बी प्रॉब्ली नेक्स्ट वीडियो में वो भी कवर हो जाए। इन्हीं सारी बातों के साथ साथ जॉन विक यूनिवर्स के 5 और भाई बैलेरिना और कॉन्टिनेंटल मूवी के ऊपर क्या क्या बातें होने वाली है उन बातों के ऊपर मैंने अपनी इस वीडियो में सारी बातें की हुई है, जाके तुम सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। मगर तब तक के लिए देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।